हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने नरेगा जॉब कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया तो उसकी न्यू लिस्ट आ चुकी है और उस लिस्ट में आप अपने नाम को पता करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका उस लिस्ट में नाम आ जाता है तो जो भी आपका नरेगा जॉब कार्ड है वो आपका सक्सेसफुली बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ कि आप अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से नरेगा जॉब कार्ड की लिस्ट में अपने नाम को कैसे पता कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। नरेगा की न्यू लिस्ट में अपने नाम को पता करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गूगल सर्च बार में टाइप करना है नरेगा कार्ड। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपके सामने पहले नंबर की वेबसाइट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं narega.nic.in। सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक कर लेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे और इस पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर नरेगा की न्यू लिस्ट में अपने नाम को पता करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाता है क्विक एक्सेस, सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने क्विक एक्सेस का एक पॉपअप निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको नीचे से दूसरे नंबर पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टेट रिपोर्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे। स्टेट रिपोर्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पे ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टेट के नाम देखने को मिल जाते हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करते ही आपके सामने नेक्स्ट पे ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि जो भी आपने स्टेट को सिलेक्ट किया उस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनकी लिस्ट आपके सामने निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इनमें से जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक है, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक है उनकी लिस्ट आपके सामने निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इनमें से जो भी आपका ब्लॉक है उस पर क्लिक कर लेंगे। ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपने जो भी ब्लॉक को सिलेक्ट किया उस ब्लॉक में जितनी भी ग्राम पंचायत है उनकी लिस्ट आपके सामने निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप इस लिस्ट में देख सकते हैं अब इनमें से जो भी आपकी ग्राम पंचायत है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करने के बाद आप ग्राम पंचायत रिपोर्ट्स के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर लिस्ट में अपने नाम को पता करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एक सेक्शन देखने को मिल जाता है जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको 6 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन देखने को मिल जाता है जॉब कार्ड एंड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आपने जो भी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट किया था उस ग्राम पंचायत में जितने भी नरेगा जॉब कार्ड बने हुए हैं उनकी लिस्ट आपके सामने निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इस लिस्ट में से आप अपने नाम को यहाँ पर सर्च कर लेंगे। अगर आपको इस लिस्ट में अपना नाम मिल जाता है तो नाम के साइड में आपको जॉब कार्ड नंबर देखने मिल जाते हैं, सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। जॉब कार्ड नंबर पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और जो भी जॉब कार्ड है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके इसमें सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है। तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से सिर्फ 2 मिनट में नरेगा कार्ड की न्यू लिस्ट में अपने नाम को पता कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।